नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं बागपत जिले के बलैनी गांव में, जहां पर हमारे किसान भाई ने खीरा की खेती की हुई है, जो कि कायरा खीरा है, जो ननगो सीड का आता हुआ है। बहुत बेहतरीन खीरा है, जो कि आप इसे देख सकते हो। हमारे साथ में सर भी आए हुए हैं, जो समित सिंह उनका नाम है, वो भी इसी ननगो सीड कंपनी में है। तो फिर आज हम खेत में अंदर चल के सर हमारे बात करेंगे, जो हमारे किसान हैं उनसे बात करेंगे कि उनको कैसा लाभ हुआ है, कैसी पैदावार हुई है खीरे से, और उनका कैसे क्या उनको लंबाई साइज के बारे में बताएंगे। आज हम आए हुए हैं बागपत क्षेत्र के बलैनी गांव में। हमारे साथ एक किसान भाई उपस्थित हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी का हाइब्रिड खीरा कियारा लगाया हुआ है। तो आइए आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कियारा खीरा को लेकर इनका कैसा अनुभव रहा। तो सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुभाष है जी। आपका गाँव का नाम? हमीरपुर बलैनी, जिला बागपत। जिला बागपत। तो सुभाष जी, ये बताइए आपने कौन सी वैरायटी लगाई हुई है? कियारा कंपनी का है। कियारा वैरायटी लगाई हुई है। और ये किस कंपनी का हाइब्रिड? नागो सीड कंपनी का। तो सुभाष जी, ये बताइए कि ये वैरायटी आपको कैसी लग रही है? ये अच्छी वैरायटी है, कलर भी इसका अच्छा है, और हमें मार्केट में भी अच्छा रेट मिल रहा है इसका। मार्केट में भी अच्छा रेट मिल रहा है। अच्छा, आपने अभी तक सुभाष जी इसमें कितनी तुड़ाई कर ली? 13-14 तुड़ाई हो चुकी है। 13-14 आप तुड़ाई कर चुके हैं। अच्छा, आपने 13-14 तुड़ाई कर ली है। तो बहुत सारी वैरायटियों में क्या है कि आपको मिलता है कि खीरे का साइज छोटा होता चला जाता है, लेकिन आपको हमारी वैरायटी में ऐसा कुछ देखने को नहीं? ऐसा नहीं है, साइज अच्छा है, बड़ा साइज आ रहा है निकल गए। हाँ। ठीक, अच्छा साइज। जैसे आपकी मंडी में जो खीरा पसंद करते हैं, जैसे हमने जब आपको लगवाया था तो आपने बोला था कि हमें डार्क कलर का खीरा चाहिए, साइज अच्छा होना चाहिए, वजन अच्छा होना चाहिए। तो जो आप इस वैरायटी में देख पा रहे हैं, जैसे साइज आपको जो हमने बोला था, क्या वही निकल रहा है? वही निकल रहा है, साइज भी अच्छा है और वेट में भी ठीक, वेट में भी अच्छा है। आप मंडी लेके जा रहे हैं तो आरती इसको पसंद कर रहा है? पसंद कर रहा है, बढ़िया पसंद हो रही है। और आप इस खीरे के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसे आपने और वैरायटी भी लगाई है। और वैरायटी बहुत लगाई है हमने। बीमारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कम है इस खीरे में, और वैसे भी अच्छा चल रहा है, और तुड़ाई भी बढ़िया हो रही है, मतलब खीरा ठीक चल निकल रहा है, ठीक चल रहा है, बीमारी भी कम है अन्य की अपेक्षा। ओके ओके। तो आपको इस वैरायटी में कुछ ऐसा अलग देखने को मिला, क्योंकि आप लोग खीरे की खेती काफी वर्षों से कर रहे हैं, तो अभी आपने ये वैरायटी पहली बार लगाई हुई है? पहली बार लगाई। तो आपको इस वैरायटी में कुछ नया देखने को मिला हो, कुछ बताइए आपको। जब ये है कि मैंने उनसे जो पहले जो खीरा लगा रहे हैं हम, उससे वैरायटी बढ़िया आ रही है, कलर बढ़िया है, बिक बढ़िया रहा है, और क्या लगे। अच्छा अच्छा, मतलब मंडी में आपको रेट। तो आप अन्य किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देंगे कि हाँ, इसे खीरा इस बीज को लगाना है, और मतलब अच्छी वैरायटी है, कलर भी ठीक है, वेट में भी सही, क्या रेट भी सही मिल रहा है। रेट भी सही मिल रहा है। तो आप अगली बार इस वैरायटी को लगाएंगे? हाँ, अगली बार हम जरूर लगाएंगे। सुरेंद्र जी, आप बताइए आपको कैसी लगी ये वैरायटी? बढ़िया। बढ़िया लगी, आपने भी लगाई हुई है ना? ताजू भाई, आपको वैरायटी ये कैसी लगी? आप ये हमारे आड़ती हैं, ये यहाँ से खीरा को खरीदते हैं और मंडी ले जाते हैं। तो आप ताजू भाई बताइए, ये वैरायटी आपको कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है, पकड़ भी अच्छी है, सब दाम भी इसके और वैरायटी से अच्छा मिलता है। ओके, इसीलिए सबसे ज़्यादा वैरायटी यही लगनी चाहिए अब की बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने टाइम दिया। ओके, तो देखा किसान भाइयों आपने खीरा की क्या पैदावार हुई है, इसमें रोग की समस्या भी कमाई हुई है, और बढ़िया खीरा आया है, चमकदार, जो फराव में ही बहुत टॉप रहा। हमारे किसान भाई ने बताया।